नावेद शिको साहब, मैं संजीव जी आपके पास लास्ट ऑफ जरा नावेद शिको साहब से ले लूं। नावेद शिको साहब, ये एक मैटर ऑफ मतलब एक थोड़ा वैसी बहस नहीं, लेकिन समझने की दृष्टि से मोटे तौर पे जैसा आखिल स्वामी साहब कह रहे हैं कि जो 18 मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं वो वैसे कैंडिडेट दिए हैं जिनका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कई जगह उनका असर है। जैसे नगीना में बहुत अच्छा लड़ रहे हैं बीएसपी के कैंडिडेट, बहुत अच्छा लड़ रहे हैं नगीना में, कुछ कुछ जगह बीएसपी के कैंडिडेट्स अच्छा लड़ रहे हैं। दूसरा, मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूं कि दो दो दौर के इलेक्शन हो चुके हैं, हवा का रुख अब काफी लोगों को समझ में आने लगा है। हम और आप भी जहां वोट बैठ रहे हैं वहां पे हवा तो अब बदली हुई नजर आती है। ऐसे में मायावती जी को अभी अभी तो 5 दौर का इलेक्शन बाकी है, उत्तर प्रदेश की अभी भी 64 सीटों पे इलेक्शन होना बाकी है। मायावती जी का रुख मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। वो उनको 13% वोट मिले थे 19% वोट मिले थे 2019 लोकसभा, और 13% वोट मिले थे विधानसभा में जहां पे उनके एक जीता था, एक विधायक आया था। मायावती जी का रुख, क्योंकि जैसा अखिल स्वामी जी कह रहे हैं उनको कुछ पोस्ट का वो करने, मायावती जी प्राइम मिनिस्टर से कम पे मेरे ख्याल में तो किसी चीज पे राजी होंगी नहीं, जैसी जैसी उनकी महत्वाकांक्षा रहती है। और आकाश आनंद भी सब जगह उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की बात को लेके ही वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे में बीएसपी का कुछ कुछ कहीं आपको दिख रहा है भविष्य उत्तर प्रदेश में, कि कहीं कुछ आगे बात बढ़ेगी या वैसे ही 0% चाहे जितना आ जाए लेकिन सीटें 0? नवेशिको साहब जी, देखिए ये चुनाव जो नजर आया अभी तक दो फेस में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की वो ताकत दिखाई नहीं दी जो उसका माहौल था। भाजपा कमजोर नजर आई, विपक्ष में कुछ ताकत नजर आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा बहुत हार रही है और विपक्ष जीत रहा, लेकिन चुनाव होने से पहले जो माहौल था, अगर उसको उस बात के मद्देनजर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी उस ताकत से नहीं उभरी चुनाव में, दिखाई नहीं दी। माहौल उसके पक्ष में वैसा दिखाई नहीं दिया जो हम मान के चल रहे थे कि भाजपा दावे कर रही है 80 में 80 जीत जाएंगे तो 70 तो जीत ही जाएगी, 400 पार की बात कर रही है तो 300 तो भाजपा के पक्ष में पड़ेगा, ये हम मान रहे थे। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड फेज के बाद अब ऐसा नहीं लग रहा है जो जमीन पे नजर आ रहा है। उसका कारण बसपा मुझे नजर आ रही है। बसपा के बारे में तमाम लोग इल्जाम रखते रहे और हमारे जैसे आम इंसान भी ये बात कहते रहे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत बढ़ी है, जो आज पूरे देश में इतनी बड़ी ताकत है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा इतनी बड़ी ताकत बन के उभरी है, उसका कारण बसपा है। बसपा ने भाजपा को बढ़ाया है, बसपा ने गैर भाजपाई दलों को कमजोर किया है। कई चुनावों में ऐसी चीजें नजर आई, इस बात की तोहमतें लगती रही हैं बसपा पर, लेकिन इस चुनाव में इसके उलट माहौल नजर आ रहा है। अब ये लग रहा है कि बसपा एक नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और बसपा इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को ताकत दे रही है। ये इसलिए लगा, इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये कि जो दो तीन चीजें हैं, एक तो ये बात सच है कि जब इंडिया गठबंधन में तमाम रेड कारपेट बिछाए गए और उनको ऑफर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया बहन जी को, लेकिन वो नहीं आई, लगातार नहीं आई, तमाम लोगों ने कोशिश की लेकिन वो नहीं आई। और वो जब वो नहीं आई तो ये भी सुनने में आया कि बसपा का जो कोर वोटर है वो भी नाराज रहा, उसको ये लगा कि बसपा को अब इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए था, उसको एक अहमियत मिलती, उसका जनाधार बच जाता, वो शायद सत्ता की भागीदारी में भी आ जाती। और ना ना ऐसी जिद करना ये ठीक नहीं है। और बसपा के वोटर की जो मरमरी सुनाई दी वो नाराजगी वाली थी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कुछ एक नया माहौल नजर आया। फिर वही जो नाराज थे उनके मन में एक दूसरी धारणा आई जो ग्राउंड से बातें निकल के आ रही हैं कि बसपा ने, चलिए ठीक है ये गलती की कि वो इतने मजबूत गठबंधन में नहीं आई जबकि उनकी शर्तों पर उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन इस बार जो गलती भी अगर मान लीजिए ये की गई है, लेकिन बसपा अकेले लड़ रही है, इंडिया गठबंधन बड़ी ताकत है और उससे बड़ी ताकत एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी है, वहां बसपा की क्या बिसात, बसपा इस चुनाव में अपना अस्तित्व खत्म ना कर दे, इस डर से बसपा का वोटर उसके साथ आने लगा धीरे धीरे। वजह क्या है जो मुझे लगता है
कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी और दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ चला गया, लेकिन जो दलित समाज का हिस्सा भाजपा के साथ चला गया है 8-10 सालों से, उसके मन में भी बसपा को लेकर सम्मान है और उसके साथ में सकारात्मक रिश्ता है। वो बात अलग है कि वो बीजेपी के साथ चला गया है, लेकिन बसपा को वो अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, अपने समाज की एक ताकत मानता है। उसके मन में ये बात आ गई कि इस बार अगर वोट प्रतिशत और नीचे आ गया तो हमारा वो प्लेटफॉर्म जो 30-35 साल से, जिसको कांशीराम जी ने तैयार किया था, जो अंबेडकर के सपनों से तैयार हुआ था, उनकी विचारधाराओं पे तैयार हुआ था, वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वापसी कर लो, इस तरह की एक धारणा। दूसरी धारणा ये कि खड़गे साहब को अभी शायद उतना परिपक्व नेता नहीं देश मान रहा है, लेकिन मेरा जैसा आम इंसान उनको एक बहुत परिपक्व नेता मान रहा है। उनके चुनाव शुरू होने के चंद दिन पहले 4-5 स्टेटमेंट जो बहुत तफसील से नहीं थे, सिर्फ बार बार वो ये कह रहे थे संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा अगर इस बार बीजेपी आ गई। ये बात पूरे देश के दलित समाज को सबसे ज्यादा असर की है, क्योंकि दलित समाज के लिए संविधान, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए संविधान की बड़ी वैल्यू है, लेकिन उनके लिए ज्यादा वो अपनी वैल्यू समझते हैं। वो कहते हैं, वो मानते हैं दलित समाज को कि ये हमारी ताकत है, अगर ये ना हो तो हमें हाशिए पे डाल दिया जाए, वो भुक्त भोगी हैं। इसलिए वो मन में जगह की और उसका असर हुआ। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा अपने बयानों से, क्योंकि वो बयान ही ऐसा था जो असर कर रहा था। और मुझे लग रहा है कि भाजपा में गया हुआ दलित वोटर वापस बसपा की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। इसीलिए लगातार चुनाव के फर्स्ट फेज और उसके 2 दिन पहले से नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ये कहना शुरू किया कि नहीं जाएगा संविधान, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। यानी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि 4-5 स्टेटमेंट पूरे देश में असर कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत दलित समाज वो हमसे खिसक रहा है। तो इस बात के मद्देनजर बसपा के पास में कुछ भाजपा का वोटर आ रहा है, कुछ दलित समाज का वोटर, जैसा कि यहाँ पर पैनल में जिक्र हुआ कि समाजवादी पार्टी का बड़ा स्वरूप जो है वो बसपा के नेताओं से उसका विस्तार हुआ है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बस बीजेपी को नुकसान कर रही है और इंडिया गठबंधन को भी फायदा कर रही है और बसपा को भी फायदा पहुंचा रही है। जहां तक मुस्लिम कैंडिडेट की बात है तो मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने इस बार पिछले चुनाव की बनिस्बत कम खड़े किए, और ये बात बिल्कुल सही है कि जहां पर जीत की उम्मीद काफी कम थी वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। तीसरी बात ये कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी परिपक्वता आई है वोट डालने को लेकर, और वो कतई भी मुस्लिम कैंडिडेट का मुंह देखकर या नाम देखकर उस वोट नहीं डाल रहा है, वो ये सोचकर वोट डाल रहा है कि किस तरीके से हमें भाजपा को हराना है, किस तरीके से हमें इंडिया गठबंधन, जो एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म इस उम्मीद से खड़ा किया गया है कि कम से कम बीजेपी को टक्कर दी जा सके। तो मुस्लिम वोट बट नहीं रहा है, बल्कि दलित वोट वापस आ रहा है बसपा और इंडिया गठबंधन में। ये बहुत घातक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस बात का एहसास करा दिया है, इसीलिए बार बार उन्होंने एक काउंटर मारा और इंडिया गठबंधन के पिच पर खुद आके खड़े हो गए वाजपेयी के साथ। संविधान हम नहीं खत्म करेंगे, इंडिया गठबंधन खत्म कर लेगा। उसके साथ वो अजीबोगरीब बात कह रहे हैं कि सारा आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तुम्हें ठेंगा दिखा दिया जाएगा। इस तरह की बदहवासी, इस तरह की बेकरारी जो है इस बात को बताती है कि दलित वोट बैंक बीजेपी के हिस्से से कहीं ना कहीं छिटक कर कुछ बसपा में वापस आ रहा है, कुछ इंडिया गठबंधन में वापस आ रहा है, और मुस्लिम वोट कतई बट नहीं रहा है। जी।